मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा में महिलाओं का चोरी करने वाला एक गिरोह घूम रहा है, दुकानदारों को सावधान रहने की जरूरत है। मुंब्रा के गुलाब पार्क मार्केट में श्री अपार्टमेंट के पहले मंजिले पर सागर कॉस्मेटिक होलसेल की दुकान है। चोरी करने वाली महिलाओं का एक गिरोह बच्चों के साथ इस दुकान में दाखिल होता है और फिर बच्चों से चोरी की घटना को अंजाम दिलाया जाता है। गले में रखे करीब 11,000 रुपए कैश रकम एक छोटा सा बच्चा निकाल लेता है। इस तरह की इन महिलाओं का ये गिरोह बच्चों के साथ दुकानों में अक्सर घुस जाते हैं और दुकानदार को ये घेर लेते हैं, कभी चादर वगैरह फैलाकर अक्सर चोरी की घटना को अंजाम देते हैं। और इसी तरह से इस गिरोह ने सागर कॉस्मेटिक की दुकान में भी चोरी की घटना को अंजाम दिया है। सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं कि ये छोटा बच्चा गले से 11,000 रुपया कैश चोरी कर झोले में रख लेता है और दुकानदार को इसकी भनक तक नहीं लगती है। चोरी के बाद ये पूरा गिरोह उस दुकान से निकल कर चला जाता है, जिसके बाद दुकानदार को मालूम पड़ता है कि उसके दुकान में चोरी हो गई है। आपको बता दें कि इस तरह से मुंब्रा कौसा के कई दुकानों में भी चोरी की घटना को अंजाम इस तरह की महिलाओं ने दिया है। दुकानदारों को सावधान रहने की बेहद ही जरूरत है। दुकानदार विकी गुप्ता ने इस चोरी के मामले में क्या कुछ जानकारी दी है, आपको सुना दें। क्या नाम है आपका? विकी गुप्ता। आपके यहाँ पर जो चोरी हुई है, ये कितने लोग आए थे दुकान में और कितनी की चोरी हुई है? कल करीबन 2 बजे सब नमाज पढ़ने गए थे और 2 बजे चार लोग आए आके ही एंट्री करते हैं, बोलते कपड़े छिए। उन लोग का फिरा के ही था चोरी करने का। वो लोग आए अंदर घुसे सब जगह, मतलब फैल गए। लोग चार लोग थे टोटल, एक लड़की थी बाजू में, उसका ध्यान भटका है, वहाँ पे एक जन थी, यहाँ पे एक जन, वहाँ पे एक जन, वहाँ पे एक जन, टोटल चार लोग थे। चारों सबका ध्यान भटका है। ध्यान भटकाने के बाद एक बच्ची थी, बच्ची गई गले में पूरा छानी कि कहाँ कहाँ पैसे है, कहाँ पैसे नहीं है। तो आई मास्क के पास से झोला ली, झोले में गई, वहाँ पर पूरा पैसा उसने अपने बैग में पूरा डाल ली। कितना पैसा रहा होगा? करीबन 11,000 से। 11,000 कैश? 11,000 थे। कैश के अलावा और कुछ चोरी वगैरह? नहीं सर, सिर्फ 11,000 कैश चोरी। 11,000। तो पुलिस में कंप्लेन वगैरह आपने कुछ की है? सर हम लोग गए थे पुलिस चौकी, तो उन्होंने सब कुछ लिखे के बोलते हम आएंगे, पर कल गए थे हम लोग 2:30 बजे, हम लोग कल 3 बजे मतलब 5 बजे तक वहीं थे। सर हम लोग बोलते भी आएंगे अभी तक आए नहीं। हो जो लोग आए थे यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए और चोरी करके चले गए, आप अक्सर देखते होंगे इस तरह के लोग आते हैं बच्चों को लेकर और ध्यान भटकाते हैं, तो फिर ऐसे आप लोग कैसे चूक हो गई? सर ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मतलब ऐसे लोग ऊपर चढ़ गए, लोगों को मतलब पहले से कुछ समझ में नहीं आया सर कैसा। अभी कंप्लेंट हुआ नहीं, मतलब दर्ज हुआ नहीं? नहीं।